मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है, यहां पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आए थे, यानी आबादी की लगभग दोगुनी संख्या पर्यटन की दृष्टि से यहां आई थी। अधिकांश पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए आए थे। 2023 में काशी में यह संख्या 10 करोड़ से अधिक थी, मथुरा वृंदावन में 7.5 करोड़ और अयोध्या में 5 करोड़ से अधिक थी। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। औसतन प्रतिदिन 1.5-2 लाख पर्यटक अयोध्या धाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में इको टूरिज्म पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कई ऐसे साइट्स हैं जहां पर्यटक आते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य, चित्रकूट, शुकतीर्थ, विंध्यवासिनी धाम, माँ पाटेश्वरी धाम, माँ शाकंभरी धाम, सहारनपुर बौद्ध तीर्थ स्थल कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, जैन व सूफी परंपरा से जुड़े स्थलों में भी स्पिरिचुअल टूरिज्म की अनेक संभावना पहले से है। यह संभावनाएं बताती हैं कि यदि स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए स्थान है तो इसका मतलब यह मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का उद्गम स्थल है। इसके सबसे बड़े प्रमाण सोनभद्र के फॉसिल्स पार्क को देखें। उसकी आयु उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के फॉसिल्स वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल, प्राकृतिक सरोवर, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किमी का क्षेत्रफल केवल वन संपदा है। यूपी में पौराणिक काल के वन हैं। यूपी के तराई क्षेत्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत में वन सुरक्षित हैं, जबकि उस पार नेपाल में वन समाप्त हो गए हैं। चुका, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अब चित्रकूट व बिजनौर के अमानगढ़ में टाइगर रिजर्व को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ ही हेरिटेज व इको टूरिज्म की संभावनाएं भी मौजूद हैं। उन्हीं संभावनाओं को देश दुनिया के सामने लाने, लोगों का आकर्षण बढ़े, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन हो, अतीत व इतिहास के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, साथ ही भावी चेतावनी के प्रति हम सभी जागरूक हो सकें, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जून की गर्मी देश प्रदेशवासियों को लंबे समय तक याद आएगी। तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लोग असहाय और असमंजस की स्थिति में थे। इसके लिए उत्तरदायी हम सब की स्वार्थी गतिविधियां ही हैं। स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के दोहन की प्रवृत्ति के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में कुकरेल के पास नाइट सफारी बना रहे हैं। इसके पहले कुकरेल नदी को जीवित करेंगे। कभी कुकरेल आदि गंगा गोमती की सहायक नदी थी। पीलीभीत से निकलकर वाराणसी में मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है, लेकिन कुकरेल नदी को नाला बनाकर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। 4 दशक में कब्जा इतना बढ़ गया कि न केवल यह नदी बल्कि पर्यावरण के लिए चुनौती बन गया। हम लोगों ने कुकरेल को नदी बनाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। 8,000 से अधिक अनधिकृत कब्जों को हटाया, दोषियों को दंडित किया और कईयों को पुनर्वास किया। गर्मी में जब नदियों और जल के स्रोत सूख रहे थे तो कुकरेल में जल के नए स्रोत बन रहे थे। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड आगाह कर रहा है कि मनोरंजन व ज्ञानवर्धन के लिए हम प्रकृति के उपहार का उपयोग करें, लेकिन भावी पीढ़ी को लंबे समय तक उपहार मिलता रहे, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। बांदा के कालिंजर, जालौन व बस्ती में ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। यह संभावना पीलीभीत, खीरी, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट समेत कई जनपदों में भी बन सकती है जहां पहले से इकोसिस्टम मौजूद है। सरकार कनेक्टिविटी और पॉलिसी के तहत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। अलग अलग क्षेत्रों व जनपदों में इको टूरिज्म की संभावनाओं को बोर्ड के साथ जुड़कर आगे बढ़ाएंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरह हम लोग इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे।